सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के और एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आज की ब्लॉग वीडियो की शुरुआत ना सुबह के 8 बजे से हो रही है। तो आज की ब्लॉग वीडियो की शुरुआत ना मैं शिमला से कर रही हूँ। तो ये जो गाँव है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट शिमला है, तो ये गाँव जो है मैं जहाँ से वीडियो शुरुआत कर रही हूँ, तो इस गाँव का नाम है मशोबरा। तो मम्मी पापा जी मशोबरा रहते हैं, इसलिए ना हम मशोबरा आए। जैसे कि आप सभी को पता था, पिछली बार जब हम सर्दियों पे आए थे ना, तो मम्मी पापा जी पहले कंडाघाट रहते थे, फिर उसके बाद रहते थे घनाटी। सबसे पहले घनाटी रहते थे, फिर उसके बाद कंडाघाट रहते थे। तो किसी काम के कारण ना अब मम्मी पापा जी का काम मशोबरा है और मम्मी पापा जी ना मशोबरा आए हैं। तो हमारे सभी YouTube फैमिली को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज रक्षाबंधन है, लेकिन ना मेरे भाई मेरे साथ नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है ना, अमित ताबो पे है और मेरा दूसरा भाई नालागढ़ पे है और मैं नहीं जा सकती हूँ। वैसे भी ना हम क्रिश्चियन हैं और रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। आखिर भाई साथ पे है ना, तो भाई के लिए अच्छे अच्छे खाने वगैरह बनाकर खिलाते हैं। पिछली बार तो मैंने अमित को बगीचे पे बुलाया था, लेकिन इस बार ना रक्षाबंधन को मैं शिमला आ गई हूँ। तो मैं दोनों भाई को बहुत ही ज्यादा याद कर रही हूँ। तो दिखाते हैं आप सभी को सबसे पहले आज शिमला का मौसम। तो दिखाते हैं आज आप सभी को शिमला का मौसम। मौसम जो है बिल्कुल ख़राब है। सुबह से ना बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, अभी ना बारिश रुक गई है और ना ये धुंध लगा हुआ है, तो शिमला के कुछ भी पहाड़ नहीं दिख रहे। तो देखिए मौसम। तो हम शिमला क्यों आए हैं, मतलब ऐसे अचानक से हमें जो है शिमला क्यों आना पड़ा, तो 1 से 2 दिन में ना आप सभी को हमारे ब्लॉग वीडियो के द्वारा हमारी शिमला आने की वजह पता चल जाएगा। तो मिलाती हूँ ससुर जी से और सासू माँ जी से। तो हमारे पापा जी, हेलो कर दिन पापा, ऐसे कर दिन। तो हमारे पापा जी और यहाँ पे रहे हस्बैंड जी। हेलो रिद्दू, और यहाँ पे रहे हमारे सासू मम्मी जी। हेलो। तो अभी मम्मी जी ने ना चाय भी बना दिया है, मतलब पहले बनाया था, एक बार जो है हमने चाय पी लिया है, तो अब फिर से चाय पियेंगे क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा है। तो मम्मी जी को हाथ पे करंट भी लग गया था, इस कारण भी हमें बहुत ही ज्यादा टेंशन हो गया था, इसलिए भी मम्मी जी से भी मिलने आए थे। और हमारा कुछ और दूसरा काम भी है, तो 2 से 3 दिन पे आप सभी को पता चल जाएगा। तो देखिये मम्मी जी को ना करंट लग गया है ना मम्मी, करंट लग गया, खुला है ना चादर का ढारा है उसमें, तो ऐसा हो गया। तो मौसम खुल जाएगा तो ना आज हम मम्मी जी को बाजार, मतलब बाजार बोलने से अस्पताल लेकर जाएंगे, क्योंकि ना मम्मी जी को जो ये करंट लगा है ना, तो मम्मी जी को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और ये जो उंगली है ना बिल्कुल सुन हो गया है। तो मम्मी जी जला रहे आग, बरसात में ना यही मुश्किल होता है चूल्हा जलाने वाले को, लकड़ियां ना सारी गिल्ली है, तो कट्टे से जला रहे आग और फिर से बना रहे हम चाय पापा जी के लिए और देवर जी के लिए। तो दवाई भी लगा दिया मम्मी ने भी हाथ पे। हमारे साथ ना देवर जी भी आए है, तो हमने तो सुबह चाय पी लिया था ना, पापा जी और देवर जी के लिए बन रहे थे। तो आज ना हम पूरी बना रहे हैं, तो पूरी के लिए लगा देते हैं तेल। आज रक्षाबंधन के दिन ना हमारे घर बन रहा है खीर और पूरी, खीर पूरी बनाएंगे आज। तो आटा भी गूंद दिया और मम्मी जी गए अभी नहाने। महीना दिन मेरे को घाम ना लगे को। तो लकड़ी अभी ना फाड़ के सुखा दी है, भीग गई थी बारिश में पीछे। कल से तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए खाना बनाने पे मुश्किल हो रहा था ना, क्योंकि सारी लकड़ी गिल्ली थी। और कल शाम को ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था खाना बनाने पे, और हस्बैंड जी ने हेल्प किया था। तो अभी पापा जी ने, मतलब देवर जी ने फाड़ी है सारी लकड़ी ना, और पापा जी ने यहाँ पे लगा दिया है। अब सूख जाएगा और बनेगा हमारा पूरी। मम्मी तो पूरी ना मैंने बना दिया, तो इतनी पूरी बन गई है। तो सोचा था खीर बनाएंगे, तो देवर जी गई थी दुकान और ना दूध नहीं मिल रहा है, तो दूध मिलेगा तो शाम तक पूरी बनाएंगे, मतलब खीर बनाएंगे, नहीं तो पूरी ही खाएंगे। तो ऐसा होता ना, मतलब ये मशोबरा जो बाजार है ना, मतलब मशोबरा ये गांव है ना, तो इस गांव पे छोटा सा बाजार भी है मशोबरा बोलते, तो दूध नहीं मिल रहा है। चाचू आगे
तो आज ना धूप ही नहीं लगा है शिमला पे, तो मौसम ना बिल्कुल खराब है। अब जाके जो है सामने वाला गांव दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, तो चारों तरफ ना मौसम बिल्कुल खराब है। तो पूरी बनाने के बाद ना मैंने वीडियो भी आगे नहीं बनाया, क्योंकि ना हस्बैंड जी के दोस्त आ गए थे ऊपर मशोबरा बाजार, फिर हस्बैंड जी ना चले गए थे, मतलब हस्बैंड जी के मतलब दोस्त भी बोल सकते हैं, भाई भी, मतलब मैं देवर जी बोलती हूँ, तो आ गए थे। तो अभी ना हस्बैंड जी शिमला बाजार तक जाकर आए, और आज ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए ना हम मम्मी जी को भी अस्पताल नहीं ले गए, तो कल मम्मी जी को अस्पताल लेकर आएंगे। और अभी अभी हस्बैंड जी पहुँचे ना, तो इसलिए मैं फिर से ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे पास फ़ोन होता तो ना मैं ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है ना, तो हस्बैंड जी ना अभी मक्की लेकर आए। ये पापा जी के लिए, मम्मी ने खा लिया है और हस्बैंड जी ने भी खा लिया। तो मम्मी जी के यहाँ पे घर पे भी ना हमें चार्ज लगाने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो आप सभी को लगता होगा बगीचे से बाहर निकलने के बावजूद भी ना जो है हमें फोन चार्ज करने के लिए दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे ना मम्मी जी के घर पे ना बोर्ड नहीं है। तो मेरे को ना फर्स्ट टाइम पता चला कि होल्डर से भी जो है फोन चार्ज होता है, तो ना इधर लगाया हमने, अपना सुविधा किया है चार्ज लगाने के लिए। तो हस्बैंड जी ना शिमला से दूध लेकर आए, अब हम खीर बनाएंगे। शिमला गए? हाँ जी। और रिद्धु को लाया है, रिद्धु की दादी और दादू ने अभी जाके ट्रक, साथ में रिद्धु भी गया था। अच्छा लगा रिद्धु को? थैंक यू बोला दादी को? सच में बोला? थैंक यू बोल। तो ठीक है, हम सबको ना बहुत ज्यादा भूख लगी, फटाफट खीर बना लेते हैं ना, फिर मिलते हैं आप सभी से खीर बनाने के बाद। अब जाके हुआ है हमारा खीर तैयार, तो मम्मी जी दे रहे हैं देवर जी को। तो हस्बैंड जी ने ना खाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि भूख लगी है, जोर से भूख लगी है। हाँ देख लो। तो आज ना हमारा सुबह का खाना बोलते हैं, मतलब शाम के 4 बजे हो रहा है, तो बहुत जोर से भूख लगी है, तो मैं और मम्मी भी खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से खाने के बाद। तो अभी ना शाम के 5 बजने वाले हैं, तो हमारा खाना ना 4:30 बजे तो हो गया था, तो अब ना घर पे बैठ के बोर हो गए, तो हम जा रहे हैं जंगल की साइड। तो मम्मी बोल रही है यहाँ पे जंगल है, तो जंगल जा रहे हैं घूमने, क्योंकि ना हमें जो है काम करने की आदत है, तो घर पे बैठते हैं ना सच में बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाती है। तो हस्बैंड जी, मम्मी और मैं जा रही हूँ, तो सोचा तो ये ना कुछ सब्जी ढूंढ के लाएंगे, जंगली सब्जी, देखते ही मिलता है कि नहीं। तो हस्बैंड जी हमसे आगे। तो गांव के रास्ते ना कुछ ऐसे होते हैं, कच्चे रास्ते हैं यहाँ पे भी, तो इन्हीं रास्तों से जो है मम्मी जी यहाँ नीचे जंगल से लकड़ी ढूंढ के घर ले जाते हैं। तो मम्मी जी ना बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, और मम्मी जी को ना बहुत ही ज्यादा कष्ट है। हम बोलते हैं ना मम्मी जी को, अभी भी बोल रहे कि हमारे साथ चलो ताजा, लेकिन मम्मी जी नहीं मान रहे। तो हमने बोला कि मम्मी जी सिलेंडर भर के देंगे, फिर भी मम्मी बोल रहे कि नहीं भरना है सिलेंडर, मेरे को चूल्हे पे ही खाना बनाना अच्छा लगता है, और चूल्हे का खाना ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आप सभी को तो दिख रहा है यहाँ पे जो है चील, मम्मी चील को पेड़ो नी, चील को रहीस, तो बहुत से पेड़ है, चील है, रहीस बोल रहे, मतलब बहुत से जो है इधर जंगल है ना पेड़ है, तो उनकी लकड़ियाँ लेकर ना मम्मी यहाँ से जाते हैं। तो कुछ दिन से ना 4 से 5 दिन जो है मम्मी काम पे बिजी थे, इसलिए ना आजकल हमारे पास लकड़ी भी नहीं है, तो अभी लकड़ी मिलेगा ना तो लकड़ी भी लेकर जाएंगे, और जंगली सब्जी भी। तो हस्बैंड जी ना मना कर रहे थे हम लेकर आए जिससे अपने साथ, इसका सब्जी मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, इसका भी बनता है सब्जी, लेकिन मेरे पति नहीं खाते, इसका सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। क्या बन चर मम्मी लाए? इसको भाप और कुंसी होता है। अच्छा, बड़ा कुंसी, इसका रसी भी बनता था पहले के जमाने में, इसका रसी बनता था, ये सुखा के रसी बनाते थे, ये बहुत अच्छा है, सब्जी का चीज़ है ये, अगर कोई खाए तो इसको लगता है इसको बिच्छू कुटी बोलते हैं, लेकिन बिच्छू बुट्टी नहीं है, गर्म पानी में बड़ा बिच्छू कुटी है। अच्छा, बड़ा बिच्छू बुट्टी। तो मम्मी जी ने बोला था, अभी मेरे को पता चला, लेकिन मैं दिन से बोल रही थी हस्बैंड जी को ना, घर के आसपास भी है, कि ये बिच्छू बुट्टी है, जैसे कि अपने भाषा पे शिष्णु है बोल रही थी। और यहाँ पे देखिए, बड़े टाइम के बाद जो है हमें हरा भरा इतने बड़े बड़े चील के पेड़ जो है देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, और इनके पत्ते ना बहुत ही अच्छे, और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बारीक टाइप के पत्ते है। मम्मी झाड़ू भी बन चनी सल्ला, कैसा आवाज आ रहा है जंगल से? कहाँ पे है?
वोइनो खाने वोइनो नहीं है इन्हें हाँ चल मम्मी वोइनो खाने नहीं है ये दाउर नहीं है बंदे नहीं तो कितने दम रहे रचा खाने दाउर फालो तो पुरे थे इधर नहीं है यह जंगली अनार दारिम दारिम बंदर नहीं लाए दारिम का पेड़ है ये जंगली अनार वो शाम होते हैं ना ये कीड़े देखिए कैसे आवाज कर रहे हैं दिख नहीं रहा है मगर जैसे इंसान नजदीक आता है ना चुप हो जाते हैं बैठ बैठ के ना जंगली मशरूम का पहचान भी ना मैं करना भूल गई हूँ तो मेरे को लगा ना ये दूर से ये खाने वाला मशरूम है लेकिन मम्मी जी बोल रहे ना ये जहरीला मशरूम है तो कुछ ऐसा है यहाँ तक आ रही खुशबू है ना कितनी अच्छी खुशबू तो बहुत अच्छा है अब उड़ा दिन में है इतना जैसा और इतनी ज्यादा आवाज निकाल रहा है मम्मी कैसे डर रही तो अब ना जाएंगे हम घर की साइड और थोड़ी बहुत लकड़ी मिलेगी ना उसको हाथ पे उठा कर ले जाएंगे तो अब कल मौसम साफ रहेगा तो ना कल या परसों ना फिर हम जंगली सब्जी के लिए भी जाएंगे यहाँ नीचे नाले पे है ना मम्मी जंप